यूपी पुलिस उमेशपाल हत्याकांड में नामजद माफिया अतीक अहमद को गुजरात के साबरमती जेल से लेकर सोमवार शाम लगभग 5:30 बजे प्रयागराज के नैनी जेल पहुंची। रविवार को उसे यूपी पुलिस कड़ी सुरक्षा में साबरमती जेल से लेकर प्रयागराज के लिए निकली थी। मंगलवार को अतीक अहमद को प्रयागराज कोर्ट में पेश किया जाएगा। वहीं बरेली जेल में बंद अतीक के भाई अशरफ को भी लेकर पुलिस प्रयागराज पहुंची। उसे भी इस मामले में न्यायालय के समक्ष पेश किया जाना है। उल्लेखनीय है कि बसपा विधायक राजूपाल की हत्या के गवाह उमेश पाल का अपहरण 2006 में हुआ था। अपहरण और प्रताड़ित करने के आरोप में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की मुख्य भूमिका बताई जा रही है। आरोपितों में एक की मौत हो चुकी है। बाकी 10 आरोपितों में सबसे पहले अतीक अहमद, खालिद अजीम उर्फ अशरफ, आबिद, आशिक, जावेद, एजाज अख्तर, दिनेश पासी, खान सौलत, हनीफ और एक अन्य शामिल है। इन सभी पर 28 मार्च को फैसला सुनाया जाना है और अदालत में अशरफ और अतीक को पेश होना है।